इलेक्शन कमीशन जब किसी पार्टी से राष्ट्र पार्टी का दर्जा वापस लेता है तो क्या वो पार्टी उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकती है? टीएमसी राष्ट्र पार्टी का दर्जा छीनने पर क्या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी? टीएमसी या वो पार्टी जिससे ये टाइटल छीन लिया जाता है, उसके पास वो कौन कौन से अधिकार होते हैं जिसकी मदद से वो कोर्ट जा सकते हैं? इन सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है स्वर्ण और आप देख रहे हैं अनकट। इलेक्शन कमीशन ने अभी टीएमसी, एनसीपी और सीपीआई से राष्ट्र पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। इस फैसले को टीएमसी कोर्ट में चैलेंज कर सकती है। यहाँ ये सवाल आता है कि टीएमसी ऐसा क्यों करेगी, टीएमसी इस फैसले से सहमत क्यों नहीं है? तो मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो टीएमसी का मानना है कि राष्ट्र पार्टी का दर्जा किसे मिलेगा किसे नहीं, ये इशू नहीं है। इशू है तो टाइमिंग का। तो होता ये था कि राष्ट्र पार्टी के स्टेटस का रिव्यू जो है वो 5 सालों में किया जाता था, लेकिन 2016 में इसे बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया। तो टीएमसी का कहना है कि अभी 10 साल पूरे नहीं हुए हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि वो टाइम को कैलकुलेट 2014 के हिसाब से कर रहे हैं और उस हिसाब से 2024 में 10 साल हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन का कहना है कि चुनाव से पहले रिव्यू किया गया है, तो यहाँ पर सारा का सारा इशू जो है वो टाइमिंग का है। अश्री, हुआ यूं है कि टीएमसी 2016 में नेशनल पार्टी बनी, तो 10 साल के हिसाब से टीएमसी का कहना है कि 2026 तक उनसे ये दर्जा वापस नहीं लिया जा सकता है। इसके साथ ही टीएमसी का कहना है कि 2024 के चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन को रिव्यू करना चाहिए था। खैर, ये तो रहा पूरा मामला। अब टीएमसी इस मामले को कोर्ट में कैसे चैलेंज कर रही है, उसके क्या क्या नियम है, किन किन नियमों के आधार पर ये मामला कोर्ट में जा सकता है, वो भी बता देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अमेंडमेंट का जानना। 2016 में क्या अमेंड किया गया वो समझना इम्पॉर्टेंट होगा, जिसमें रिव्यू के टाइम को बढ़ाकर 5 साल से 10 साल कर दिया गया है। मतलब अब टीएमसी 10 सालों तक राष्ट्र पार्टी नहीं बन सकती है, क्योंकि अगला रिव्यू अब 2033 में होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इंडिया में कितने तरह की पार्टियां होती हैं और ये अलग अलग तरह की क्यों होते हैं। तो इंडिया में 3 तरह की पार्टियां होती है, रीजनल पार्टीज, नेशनल पार्टीज और अनरिकग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि अगर टीएमसी से नेशनल पार्टी का दर्जा छीन लिया गया तो इससे टीएमसी को क्या नुकसान उठाना पड़ेगा? तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और टीएमसी सभी स्टेट में एक चुनाव चिन्ह से इलेक्शन नहीं लड़ सकती है। जिस स्टेट में टीएमसी स्टेट पार्टी नहीं है, वहां किसी दूसरे कैंडिडेट को भी ये चिन्ह दिया जा सकता है। ये सबसे बड़ा नुकसान होगा। टीएमसी की पहचान जो है, पार्टी की पहचान जो है, वो अब किसी और के पास भी जा सकती है। हालांकि डीयू के प्रोफेसर संजय कुमार का कहना है कि कुछ सुविधाओं को छोड़ दे तो पार्टी को कुछ खास नुकसान नहीं होगा। अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो आम आदमी पार्टी अभी नेशनल पार्टी बनी है, लेकिन टीएमसी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आपसे ज़्यादा है। तो नेशनल पार्टी होने से राजनीतिक तौर पर कुछ खास फायदा या नुकसान नहीं होता है, लेकिन किसी भी पार्टी का सिंबल उससे छीना जाना कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा किसी पार्टी को कुछ खास नुकसान नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें अनकट को।